नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में आज छात्र संघ चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कल दोपहर 1 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद छात्र प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मत पेटियों में बंद हुआ था। छात्र नेताओं ने भी नतीजों को लेकर बेचैनी बढ़ गई। अपेक्स पदों की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी। पहली बार कॉमर्स कॉलेज में अपेक्स पदों की मतगणना होगी। अध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवार सहित कुल 4 पदों पर 23 उम्मीदवार मैदान में है। इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.38% रहा मतदान। वहीं जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में कल 39.79% मतदान हुआ था। महाराजा कॉलेज में 61.60% वोटिंग हुई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 52.26% मतदान हुआ। वहीं कोटा के 8 कॉलेज और कोटा यूनिवर्सिटी में हुए चुनाव में कुल प्रतिशत 41.5% रहा। राजस्थान के बारा जिले के अंता में कालीसिंध नदी में आए उफान से 2017 में चालू हुआ नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना का 57 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। वहीं 42 गांवों के लोगों के सामने पेयजल का खतरा मंडराने लगा। बीकानेर में शास्त्री नगर स्थित आरएलजी संस्थान द्वारा महिला समानता दिवस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्पिता गुप्ता ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर धरातल पर कार्य करती है। वह बच्चों की शिक्षा से लेकर महिलाओं व बच्चों को पोषण आहार व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। बारा के अर्नावता शाहजी में 28 अगस्त को अवंती बाई लोधा के 191वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छबड़ा में विशाल जन चेतना शोभा यात्रा व आम सभा को लेकर प्रचार प्रसार जोरों से पर है। आयोजन को सफल बनाने के लिए लोधा समाज के युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। समाज के कार्यकर्ता गांव गांव घर घर जाकर छबड़ा में विशाल जन चेतना रैली व आमसभा में पहुंचने के लिए अपील कर रहे हैं। आमसभा में लोधा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार लोधा और मनोर थाना विधायक गोविंद प्रसाद लोधा व लोधा महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और अन्य प्रदेश से समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और समाज के विधायक और मंत्रीगण पहुंचे। अबू रोड में राजस्थान मुख्य प्रबंधक राजीव प्रोहित ने बताया कि कविता गांव में 8 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के 80 सदस्यों ने एचआईएच कविता सीएलएन के अध्यक्ष पद के चुनाव में विमला देवी गोमती को विजयी बनाया। इस चुनाव में सचिव के पद पर फुलवंती देवी व सचिव 2 पर पूनम गोमती का चयन किया गया। इसके पश्चात चुनाव अधिकारी राजीव प्रोहित ने निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देने के साथ शपथ दिलाई। अशोकनगर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी नीरज शुक्ला के द्वारा किए गए एक आदेश के विवादों के घेरे में खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी में सेवाएं दे रहे शिक्षक विजय सिंह लोधा को मूल संस्था शासकीय हाई स्कूल प्राणपुर में आदेश जारी कर वापस भेज दिया था, क्योंकि प्राणपुर गांव के विद्यार्थियों की मांग थी कि वहां के शिक्षक को वहीं पर पदस्थ रखा जाए। लेकिन जैसे दूसरे दिन मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं को उक्त आदेश की खबर मिली तो मॉडल स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों ने चंदेरी के अति व्यस्तम चौराहा दिल्ली दरवाजे पर जाम लगा दिया। तो वहीं तेज गर्मी और धूप होने की वजह से कई छात्र छात्राएं चक्कर खाकर धरनास्थल पर बेहोश हुई, जिनका चिकित्सकों ने मृत मौके पर पहुंचकर उपचार किया। इस दौरान धरनास्थल पर बड़ी तादाद में स्कूली छात्र छात्राएं सहित अनेक अभिभावक इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। चंदेरी नगर में प्राचीन शनि मंदिर पर हजारों श्रद्धालु आएंगे। चंदेरी नगर की मंडी रोड पर प्राचीन शनिदेव के मंदिर पर शनिचारी अमावस्या पर हर शनि अमावस्या पर इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। हजारों श्रद्धालु अपने भक्त सच्चे मन से भी प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों भक्त दर्शन करने के लिए यहां आते हैं।
और शनि महाराज पर तेल व दिल्ली इत्यादि प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और अपने पुराने वस्त्र जूता चप्पल यहीं पर त्याग कर अपना मुंडन करवाकर अपने ऊपर चल रही भैया साढ़े साथी को कम करने की प्रार्थना करते हैं। राजस्थान के दौसा में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़ी एक बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 20 यात्री घायल हो गए। पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक के भरकच्चे उड़ गए, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर पूरी तरह से गाड़ी में फंस गया। कैबिन में फंसे चालक को निकालने के लिए 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल शुक्रवार रात एक बस जयपुर से भरतपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कालखो के समीप बस चालक ने सवारियों को वॉशरूम यूज के लिए बस को सड़क पर ही रोक लिया। इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी से इस्तीफा देने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। गुलाम नबी आजाद के सुबह सोनिया गांधी के नाम 5 पन्नों का पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अशोक गहलोत ने कहा कि जो टिप्पणियां की गई वो उचित नहीं है। मैं खुद सदमे में हूं कि एक 72 साल का व्यक्ति जिसे जिंदगी में सब कुछ मिला वो आज ऐसे संदेश दे रहा है जो मेरे समझ के परे है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई। पार्टी की ओर से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो जारी किया। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो डर गए वो आजाद है, जो नहीं डर रहे वो कांग्रेस में नहीं है, उन्हें अंदर लाओ। जो कांग्रेस में है और डर रहे हैं उन्हें बाहर निकालो। आपकी जरूरत नहीं कांग्रेस को, हमें निडर लोग चाहिए। राजस्थान में लंपी स्किन एक अब काबू होने का दावा किया जा रहा है। रोग फिर न फैले इसके लिए भी सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। अब नगर निगम ग्रेटर भी इस रोग को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। कोविड के दौर में नगर निगम ने जिस तरह से राजधानी में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया था उसी तरह से अब गौशालाओं में छिड़काव शुरू किया गया। लंपी वायरस से रोकथाम के लिए नगर निगम अब गौशाला में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा अग्निशमन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। हिंगौनिया गौशाला में बड़े स्तर पर छिड़काव का काम किया जा रहा है। निगम प्रशासन ने रोग बढ़ते प्रकोप के चलते हिंगौनिया गौशाला में लंपी केयर सेंटर की शुरुआत की थी, जहां संक्रमित गायों का अलग से आइसोलेशन और उपचार किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान